मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश भर की संपत्तियों की गाइडलाइन बढ़ाने जा रही थी। वर्तमान दरों में 20% बढ़ोतरी की जानी थी। इस प्रस्तावित वृद्धि के विरोध में पंजीयन कार्यालय अधिवक्ता कई दिनों से विरोध कर रहे थे। बुधवार को इस संबंध में वाणिज्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान दर यथावत ही रहेगी। इस विषय पर मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर स्थिति साफ कर दी है। प्रदेश भर की अचल संपत्तियों पर 20% गाइडलाइन की वृद्धि प्रस्तावित थी। इस खबर के बाद से ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने वाले अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी की अगुवाई में लगातार सरकार से चर्चा कर रहे थे। बुधवार को इस संबंध में सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान दर यथावत रहेगी और फिलहाल गाइडलाइन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। अभी सुबह मध्य प्रदेश के वाणिज्यकर सचिव दीपाली रस्तोगी जी का पत्र जारी हुआ है। बाद में मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी अपने ट्विटर पर इस प्रकार की सूचना दी गई है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो गाइडलाइन प्रचलित है वही यथावत रहेगी। कब तक रहेगी, इस असमंजस को शाम तक दूर कर दिया जाएगा। मतलब इस साल 31 मार्च 2021 तक यही गाइडलाइन रहेगी, जो हर महीने ये कहा जाता था कि अगले महीने से बढ़ेगी, अगले महीने से बढ़ेगी। इसी कारण हमने अभी जो प्रॉपर्टी ब्रोकर बिल्डर और ये सब आकर के ज्ञापन देने वाले थे और उसको स्थगित कर दिया है। पूरे मध्य प्रदेश में हमने इंदौर को अलग हटाते हुए इस बार पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के मंत्रियों को पत्र भेजना चालू करा था, ज्ञापन भेजना चालू करा था। हर बार जब विरोध की अगुवाई इंदौर करता है तो लोगों को लगता है